दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली ग्रैनी या उसके बाकी सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो पहले आप जाकर उन सब पार्ट्स को देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले पार्ट में हमने देखा था गुल्ली बुल्ली और सोन जीप में बैठकर ग्रैनी के घर से भाग जाते हैं, लेकिन डीलर ग्रैनी को देख लेता है जो गुल्ली की जीप के पीछे लटकी हुई थी। इसके बाद ग्रैनी डीलर पर हमला कर देती है जिससे डीलर और ग्रैनी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, और यहाँ पर ग्रैंडपा पुलिस वाले की जीप को लेकर आ जाते हैं और गुल्ली बुल्ली सोन का पीछा करते हैं। कुछ दूर पीछा करने के बाद गुल्ली ग्रैंडपा की गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी रोड से नीचे उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा गुल्ली पर हमला कर देती हैं, जिससे गुल्ली सीधा रोड पर आकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर ग्रैनी सोन पर भी हमला कर देती है, जिससे सोन दूर पत्थरों के पीछे जाकर गिरता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडपा गुल्ली को इधर उधर देखने लगते हैं, तभी अचानक ग्रैंडपा को गुल्ली दिख जाता है और ग्रैंडपा गुल्ली के पास आ जाते हैं। I see you. पास आते ही ग्रैंडपा गुल्ली का पैर पकड़कर घसीटते हुए ग्रैनी की तरफ ले जाने लगते हैं। ग्रैनी, there you are. यहाँ पर ग्रैनी बड़े से चट्टान के ऊपर सोन को ढूंढ रही है। फिर ग्रैंडपा ग्रैनी से कहती हैं, ग्रैनी क्या तुम वहाँ पर खड़ी होकर अकेले अकेले पैक लगा रही हो? नहीं ग्रैंडपा, इन तीनों में से एक छोटा बच्चा इन पत्थरों के आसपास आकर गिर गया था, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, और तुम भी उन पत्थरों के पीछे जाकर उस बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है ग्रैनी? और हाँ, अगर तुम पैक लगाओ तो मुझे जरूर बुला लेना। इसके बाद ग्रैंडपा सोन को ढूंढने के लिए पत्थरों के पीछे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए ग्रैंडपा वापस ग्रैनी की तरफ आ जाती हैं। फिर ग्रैनी कहती है, ग्रैंडपा वो छोटा वाला बच्चा कहाँ पर है? वहाँ पर कोई भी छोटा बच्चा नहीं है ग्रैनी, मुझे लगता है ग्रैंडपा तुम्हारे जाने से पहले ही उस बच्चे को होश आ गया होगा और वो वहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा ये किस चीज की आवाज थी? ग्रैनी ये मेरे ट्रेन की आवाज थी जो मेरे पीछे वाले स्टेशन से छूटने वाली है, और अगर एक बार ये ट्रेन छूट गई तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे ग्रैनी। घबराने वाली बात नहीं है ग्रैंडपा, अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं ये डंडा तुम्हारे स्टेशन में फंसा दूंगी जिससे तुम्हारी ट्रेन बाहर नहीं निकल पाएगी। थोड़ी देर मजाक मस्ती करने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन सोन तो यहाँ पहाड़ के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा को डीलर रोड पर बेहोश पड़ा हुआ दिख जाता है। इसके बाद ग्रैनी गाड़ी से उतरती है और डीलर को उठाकर गाड़ी में रख देती है। जैसे ही ग्रैनी डीलर को गाड़ी में रखती है, तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद ग्रैनी ग्रैंडपा वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोन भी पानी में भीग रहा होता है और पानी गिरने की वजह से जमीन पर फिसलन भी आ जाती है, जिससे सोन सीधा फिसलते हुए एक पेड़ के तने से जाकर टकरा जाता है। दर्द के कारण सोन सीधा नीचे जाकर गिरता है। सोन के तो रसगुल्लों का पूरा दही निकल गया होगा। तभी सोन को पुलिस वाले की गाड़ी दिख जाती है। पुलिस वाले की गाड़ी को देखकर सोन को सब कुछ याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। इसके बाद सोन लंगड़ाते हुए रोड की तरह आने लगता है। रोड पर आने के बाद सोन को कोई भी दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर सोन का दिमाग खराब हो जाता है। गुल्ली बुल्ली का बदला सोन ग्रैनी ग्रैंडपा से लेकर रहेगा,
इसके बाद सोन पुलिस वाली की जीप की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ जाने लगता है। अब सोन मरने या मारने के मूड में आ चुका है। इसके बाद सोन गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके खाई से बाहर निकाल लेता है। गाड़ी को खाई से बाहर निकालने के बाद सोन सामने की तरफ जाने लगता है। अब ना जाने सोन क्या करने वाला है। इधर ग्रैंडपा हॉर्न पर हॉर्न छोड़ते जा रहे हैं और अगर गलती से हॉर्न की जगह कुछ और छूट गया तो अभी ग्रैंडपा को बैठने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ग्रैंडपा जैसे तैसे अपनी ट्रेन को संभालते हुए घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद ग्रैनी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और डीलर को घर के अंदर लाती हैं और बेसमेंट की तरफ ले जाने लगती हैं। बेसमेंट में पहुंचने के बाद ग्रैंडपा एक और पटाखा फोड़ देती हैं। इससे पहले ग्रैनी कुछ कहती ग्रैंडपा पहले ही वहां से निकल लेते हैं और सीधा बाथरूम की तरफ भागते हैं। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा को ढूंढते हुए ऊपर की ओर आ जाती है। ऊपर आने के बाद ग्रैनी देखती है कि दरवाजा तो टूटा पड़ा हुआ है और इसके बाद ग्रैनी दरवाजे में बहुत सारे लकड़ी के पटिये लगा देती है और पीछे से एक बहुत बड़ी अलमारी भी रख देती है ताकि कोई बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ना जा सके। ये सब कार्यक्रम करने के बाद ग्रैनी पास वाले रूम की तरफ जाती है और उसमें से एक पेड़ काटने वाली आरी को उठा लाती है और आवाज का पीछा करते हुए सीधा बाथरूम की तरफ जाती है। ग्रैंडपा क्या तुम अंदर हो? हाँ ग्रैनी। तो जल्दी बाहर निकलो, आज इन तीनों का हिसाब करना होगा। ऐसे हम कब तक इन लोगों को पकड़ते रहेंगे? मेरी एक ट्रेन फंस गई है ग्रैनी, जैसे ही उसको हरी झंडी मिलेगी मैं उसे निकालकर फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक तुम उन तीनों का हिसाब करो। ठीक है ग्रैंडपा। इसके बाद ग्रैनी बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर सोन पुलिस वाले की जीप को लेकर ग्रैनी के घर की तरफ आने लगता है। और ये सोन की गाड़ी के ऊपर कौन लेटा हुआ है? ओ माय गॉड, ये तो बाबा हैं। और अब तो ग्रैनी ग्रैंडपा के लगने वाले हैं। यहाँ पर बाबा पूरा का पूरा गेट ही तोड़ देते हैं। बाबा की ऐसी धुआंधार एंट्री को देखकर सोन खुश हो जाता है। फिर बाबा सोन से कहते हैं, सोन क्या तुम ठीक हो? इससे पहले सोन कुछ कहता तभी इन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए बाबा और सोन बाथरूम की तरफ जाने लगती हैं। बाबा यही ग्रैंडपा है जिसने गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला किया था। सोन की बात सुनकर बाबा बाथरूम के अंदर चले जाती हैं और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती हैं। मुझे बाबा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। बाहर सोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, इसलिए सोन दरवाजे के पास आता है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। लेकिन सोन को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए सोन आसपास देखने लगता है और तभी सोन को एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ पुलिस वाला दिखाई देता है। पुलिस वाले को देखते ही सोन फौरन उसकी तरफ जाता है और पुलिस वाले को होश में लाने की कोशिश करता है।
सोन का एक चांटा खाने के बाद पुलिस वाले को होश आ जाता है। उधर बाबा ग्रैंडपा के साथ साथ दरवाजा भी तोड़ देती हैं। पुलिस वाला बाबा को ग्रैंडपा समझ लेता है और हमला करने के लिए पास में पड़ा एक बड़ा सा पटिया उठा लेता है और बाबा के ऊपर हमला करने के लिए भागता है। बाबा के पास पहुंचते ही पुलिस वाला बाबा के ऊपर हमला कर देता है। अब बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है और अब पुलिस वाले को कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर किसी का भी ध्यान ग्रैंडपा के ऊपर नहीं है। यही मौका देखकर ग्रैंडपा वहां से सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन सोन ग्रैंडपा को भागते हुए देख लेता है। इसके बाद सोन ग्रैंडपा का पीछा करता है। सोन के आने से पहले ही ग्रैंडपा वहां से छूमंतर हो जाती हैं। इसके बाद सोन ग्रैंडपा को यहाँ वहाँ देखने लगता है कि तभी वहाँ पर ग्रैनी बेसमेंट से ऊपर की ओर आने लगती है और सोन को देख लेती है। सोन ग्रैनी को देखकर घबरा जाता है और पीछे की ओर हटने लगता है। और यहाँ पर बाबा पुलिस वाले की सुताई करने में लगे हुए हैं। फिर पुलिस वाला बाबा से कहता है, भारी मिस्टेक हो गया सर। इसके बाद सोन कहता है, बाबा मुझे ग्रैनी से बचाओ, ये पागल ग्रैनी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। फिर बाबा पुलिस वाले की तरफ देखती हैं और उसकी गर्दन पकड़कर स्नेक लगा देती हैं। यहाँ पर ग्रैनी भी बाथरूम की तरफ आ जाती है। इससे पहले ग्रैनी कुछ समझ पाती, बाबा एक जोरदार लात मार देती हैं। जिससे ग्रैनी उछलकर सीधा फ्लोर तोड़ते हुए कटर पर आकर गिरती है। लेकिन ग्रैनी अभी मरी नहीं है। इसके बाद बाबा ग्रैनी को मारने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और तभी अचानक बाबा की नजर कटर के स्विच पर पड़ती है। फिर बाबा स्विच को दबा देते हैं। और हमारी ग्रैनी का राम राम सत्य हो जाता है। कटर रूम से बाहर निकलते ही बाबा को गुल्ली दिख जाता है और बाबा गुल्ली की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोन पुलिस वाले को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर बाबा गुल्ली बुल्ली और डीलर को लेकर बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रैनी की स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट। अगर आपका इसमें नाम नहीं आया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें।